वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं आ गई, आप लोग कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ट्यूसडे और आज बहुत ही ठंडा का मौसम है ना, तो आज बहुत ही ठंडा पड़ा है। और देखिए मेरा डॉगी को, वो भी खिड़की में, ये देखिए मेरा डॉगी जो धूप सेक रहा है। देखिए टाइगर, टाइगर देखिए ये क्या हो गया, इसने क्या देखा बाहर और ये इतना चिल्ला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि दीदी क्या बना रही है लंच में, लंच नहीं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही है। चलो तो देखते हैं दीदी क्या बना रही हो लंच में। ये आ गई दीदी, क्या बना रही है दीदी देखती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर गोभी बना रही है, ये देखिए ये आलू गोभी की सब्जी। हाँ जी ये रहा ठंडा के, क्या बोलते उस क्या मौसम, विंटर के मौसम में गोभी की सब्जी खाने में बहुत मजा आता है, वो भी आलू के साथ, आलू गोभी की सब्जी, पत्ता गोभी की सब्जी और पालंग साग। पालंग साग तो खूब बहुत ही अच्छा लगता है, थोड़ा सा बंगला बोल दिया मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए भाई का शादी का कार्ड आ गया है, तो हम लोग सारा नाम लिख रहे हैं किसको किसको भेजना है, वो सब कुरियर करना है ये सब, तो नाम उम लिख रहे हैं। तो स्वस्तिक भी बना दिया है, उसमें छोटी और मम्मी दोनों मिलके काम कर रही है। तो चलिए देखते हैं मैं आज डिनर में क्या बनाती हूँ। सोच रही हूँ चिकन करी बना लूँ, तो चिकन करी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने बुद्धा में थोड़ा सा लाइटिंग किया, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ठीक से नहीं बैठ रहा है, इसे ठीक करना पड़ेगा। तो इसी तरह से मैंने थोड़ा लाइटिंग किया, और क्रिसमस के लिए भी थोड़ा लाइटिंग करूँगी, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी मैं किस तरह से क्रिसमस ट्री ये सब सजाती हूँ। अब मैं आज रात को बना रही हूँ चिकन, और इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी डाल के मैं अच्छे से मैरिनेट करूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ दही डालूँगी, डाल के अच्छे से मैरिनेट करके एक घंटे के लिए रखूँगी। तो अच्छे से मिक्स करना है, और मैंने लाल मिर्च पाउडर डालना भूल गई थी, तो वही डालूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स करके जैसे आटा मसलते हैं ना, उसी तरह से मस लूँगी, और इसे अच्छे से एक घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। मैंने ऑनियन चॉप्ड कर लिया है, और एक से डेढ़ घंटा हो गया चिकन मैरिनेट हो गया, तो अभी मैं अभी चढ़ा दूंगी, तो ऑनियन फ्राई कर लूंगी। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, एक साथ फ्राई कर लूंगी तो कलर अच्छा आएगा। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें चिकन। इसमें से थोड़ा पानी निकलेगा, तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च पहले से ही मैं डाल रही हूँ, तो मिर्ची पहले से डाल रही हूँ, तो तीखे ज़रा सा ज़्यादा हो इसीलिए। तो अभी मैं इसे ढक दूँगी, और थोड़ी देर बाद मैंने निकाला है, तो देखिए कितना सारा पानी निकला है चिकन से। इसी पानी से तैयार हो जाएगा जो स्टू निकला है इसमें से, सूप जैसा, तो इसी से चिकन बन जाएगा। और मैं इसमें डाल दूँगी अभी चिकन करी मसाला, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये चिकन करी मसाला सनराइज़ का है, आप लोग भी यूज़ कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी आता है खाने में लगता है चिकन। तो इसे थोड़ा सा मैं गाढ़ा कर लूँगी, चिकन बॉयल हो गया है तो बस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, उसके बाद मैं इसे उतार लूँगी। मैंने राइस भी बना लिया है, और मार्केट में न्यू पोटैटो निकला है न्यू, तो मैंने राइस में डाल दिया है चार पांच, छोटी को बहुत ही पसंद है बॉयल पोटैटो इसीलिए। तो चलिए, तो मेरा चिकन भी तैयार हो गया है लगभग, तो अभी हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद आप लोगों से भेंट नहीं कर पाऊँगी, तो
तो देखिए फ्रेंड्स चिकन का कलर कितना अच्छा आया है, एकदम हर रोज़ जैसा चिकन। जो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है दूसरा कलर वलर, बहुत ही अच्छा कलर। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बाय, फिर हम कल मिलेंगे।